सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। दोस्तों आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हेलियोस्टेट कलेक्टर के बारे में। दोस्तों आज का अपना टॉपिक है यहाँ पे हेलियोस्टेट कलेक्टर, तो इसके अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन हेलियोस्टेट कलेक्टर है वो भी यहाँ पे पॉइंट फोकसिंग टाइप का ही कलेक्टर आता है, उसी के अंदर आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हेलियोस्टेट कलेक्टर, तो इसके अंदर हम यहाँ पे उसके सबसे पहले डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे एक मिरर की अरेंजमेंट है, ये आप जो ब्लैक लाइन देख रहे हो वो यहाँ पे मिरर रखे हुए है। अब ये मिरर है वो हेलियोस्टेट, यानी कि हर एक मिरर को यहाँ पे हेलियोस्टेट बोला जाता है। कि हर एक मिरर आप देख रहे हैं, जो भी मिरर देख रहे हैं उसको यहाँ पे हेलियोस्टेट पोजीशन, यानी कि मिरर है उसको पैराबोलॉइडल यहाँ पे पोजीशन में रखा जाता है, और उसको यहाँ पे मिरर को या फिर उस पोजीशन में यहाँ पे हेलियोस्टेट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो सोलर का रेडिएशन, आपको पता है कि सोलर का रेडिएशन है वो मिरर के ऊपर पड़ेगा तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन दोस्तों रिफ्लेक्ट होके जाएगा कहाँ, तो ये जाएगा एब्जॉर्बर के पास। तो आपने देखा ये एब्जॉर्बर होता है, उसको यहाँ पे ये सभी मिरर के सेंटर में यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर टावर बना के यहाँ पे रखा जाता है, और इस एब्जॉर्बर को यहाँ पे ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। तो दोस्तों ये जितना भी सोलर रेडिएशन यहाँ पे मिरर के ऊपर गिरा वो रिफ्लेक्ट होके जाएगा यहाँ पे एब्जॉर्बर के ऊपर। देखिए ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है यहाँ पे एब्जॉर्बर के ऊपर, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्बर के ऊपर चला गया दोस्तों, ठीक है। आपको ये डायग्राम देखने को समझ में आ गया कि यहाँ पे मिरर की इस तरह से पोजिशन की जाती है कि वो सभी मिरर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपना प्रकाश है उसको यहाँ पे केंद्रित करता है दोस्तों, ठीक है, और वो एब्जॉर्बर वहां पे उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब आगे का प्रोसेस हम बाद में देखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करते हैं, उसके अंदर डिटेल्स में जानकारी लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलिए सबसे पहला पॉइंट अपना आता है, दिस इज काइंड ऑफ अ पॉइंट फोकसिंग कलेक्टर, यानी कि दोस्तों ये भी एक पॉइंट फोकसिंग टाइप का कलेक्टर है दोस्तों। अब आगे बात करें तो मेनी ऑफ दिस मिरर आर अरेंज अबोव द ग्राउंड इन अ पैराबोलॉइडल शेप, यानी कि दोस्तों यहाँ पे काफी सारे मिरर होते हैं, उन सभी को यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर यानी कि सरफेस के ऊपर यहाँ पे पैराबोलॉइडल शेप के यहाँ पे रखा जाता है दोस्तों। इच मिरर इज कॉल्ड हेलियोस्टेट, यानी कि हर एक मिरर को यहाँ पे हेलियोस्टेट बोला जाता है दोस्तों। इच मिरर इज अरेंज्ड टू मूव एज द पोजिशन ऑफ द सन चेंज अराउंड टू एक्सिस, यानी कि दोस्तों यहाँ पे हर एक मिरर यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट करता है, जब भी सूर्य की दिशा चेंज होती है पूर्व से पश्चिम, तो ठीक है दोस्तों उस तरह से यहाँ पे उस मिरर की भी पोजिशन यहाँ पे चेंज होती रहती है ताकि हमें सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पे सोलर रेडिएशन का बेनिफिट मिल सके। तो ये आप याद रखिएगा, इसके अंदर यहाँ पे सोलर ट्रैकिंग सिस्टम का यूज लिया जाता है दोस्तों, और सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो वो एक सेपरेट टॉपिक है दोस्तों, उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। लेकिन आपको उसके लिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना पड़ेगा सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, तो उसके ऊपर जाके मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, मीनवाइल अ ब्लैक पेंटेड ऑब्जर्वर इज अरेंज ऑन अ टोल टावर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक पेंट यानी कि जो एब्जॉर्बर होता है उसको ब्लैक कलर से पेंट किया होता है, एब्जॉर्बर की तरह यहाँ पे बॉयलर भी हम ले सकते हैं दोस्तों। इस अरेंज ऑन अ टोल टावर, यानी कि दोस्तों उसको सेंटर में बीच में बड़ा सा टावर के ऊपर यहाँ पे रखा जाता है दोस्तों। अब आगे बात करें, द मिरर इज अरेंज इन अ सच वे दैट द रेडिएशन ऑफ द सन फॉलिंग ऑन इट इज रिफ्लेक्टेड एंड फॉल्स ऑन द एब्जॉर्बर, यानी कि दोस्तों यहाँ मिरर के ऊपर सोलर का रेडिएशन गिरता है और वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे एब्जॉर्बर के ऊपर वापस जाता है दोस्तों, ठीक है। हेंस द रेडिएशन इज कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि दोस्तों वो रेडिएशन यहाँ पे एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट एक जगह पे इकट्ठा होता है केंद्रित होता है। दिस हीट रेज, यानी कि दोस्तों इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर में बढ़ोतरी आती है और यहाँ पे पानी में से वराड में यानी कि स्टीम में यहाँ पे रूपांतरित होता है। दिस हीट राइज द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर एंड कन्वर्ट्स इन टू अ स्टीम। अब आगे बात करें, इट हैज अ टेम्परेचर ऑफ 200 सेल्सियस, यानी कि दोस्तों उसका टेम्परेचर यहाँ पे 200 सेल्सियस तक जा सकता है। दिस टाइप ऑफ कलेक्टर इट यूज इन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो कलेक्टर होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन करने के लिए यहाँ पे यूज में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में भी काम में लिया जा सकता है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल नंदा शांति को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सोलर ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए दोस्तों, और सेम टू सेम वीडियो आपको गुजराती लैंग्वेज में थोड़ी देर में अपडेट होकर मिल जाएगा।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं गुजराती में अपडेट करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन अपडेट होकर मिल जाएगी। आपका खूब खूब धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए नंदा सोहार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे।